हर वक्त लड़के ही लड़की के पीछे पड़ते हैं। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की भी हमारे पीछे पड़े। लड़की हमें पाना चाहे, लड़की हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। क्या आप चाहते हो कि जिस लड़की को आप चाहते हो वो पागलों की तरह आपके पीछे पड़ जाए? क्या आप चाहते हो जिस लड़की ने आपको रिजेक्ट किया वो भी आपके पीछे भागना स्टार्ट कर दे? क्या आप चाहते हो कि हर लड़की आपको देखे, हर लड़की आपसे बात करना चाहे और आप भाव खाना स्टार्ट कर दो? आज मैं आपको आपके अंदर एटीट्यूड लाने के 3 फाड़ू टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद लड़की आपके पीछे पड़ेगी, आप नहीं। सबसे पहली चीज है लव योरसेल्फ। आज की दुनिया में साला जब तक अपने आप को बॉस नहीं मानोगे ना, तो ना तुमको कोई भाव नहीं देने वाला है। यहाँ पर तुम जितना सोचोगे कि साला मैं अच्छा नहीं हूँ, उतना लोग कहते हैं अबे हटा इसको, किसी भी काम का नहीं है। भाई दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से तो प्यार कर ले, ताकि खुद पे कभी शक ना हो कि साला मैं ही नाकाम था। खुद को कामयाब मानोगे तभी ना कामयाब होगे, क्योंकि कंफ्यूज लोगों की ना कोई जगह नहीं है, कोई औकात नहीं है। लड़की तुम्हें क्यों भाव देगी? नहीं नहीं, तू खुद बता तुम में क्या है, तुम में क्या क्वालिटी है। लड़की अगर तुमसे पूछे कि तू खुद बता तुम में क्या है जिसके चलते मैं पट जाऊं, तुम में क्या है जिसके चलते मैं इम्प्रेस हो जाऊं, तो तुम उसे क्या कहोगे? कि पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी है, तुम भी आ जाओ, मैं भी हूँ, दोनों मजे लेकर ठूसेंगे आराम से जिंदगी भर। या फिर मेरे चाचा यहाँ पर विधायक है, सिक्का तो नहीं चलता यहाँ पे, लेकिन हफ्ता वसूलता हूँ, उससे गुजारा हो जाएगा। भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसे आप समझो। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर ऐसा क्या है जिसके चलते लड़की आपके पीछे आएगी? नहीं है ना, तो मेरे भाई लेके आओ, खुद पे इन्वेस्टमेंट करो, खुद से लव करो, अपने अंदर ऐसा टैलेंट लेकर आओ जिसके चलते लड़की आपके पीछे पागल हो जाए। इतना हैंडसम बनो कि लड़की आपके पीछे आए, इतना पॉपुलर बनो कि लड़की आपके पीछे आए, इतना रिच बन जाओ कि तुम्हारे पीछे लड़की आए। अगर चाचा तुम्हारे विधायक है या फिर पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो खुद पे इतना इन्वेस्टमेंट करो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी तुम्हारे सामने फेल हो जाए, तब ना लड़की कहेगी हाँ ये है बंदा। तो कहने का मतलब ये है, टोटल कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे भाई खुद से प्यार करो, लड़की से नहीं। लड़की तो झक मार के आएगी। सेकंड नंबर पॉइंट है, कोई इग्नोर करे तो भूल जाओ उसे। आजकल ना लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लड़का कितना भी अच्छा हो उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। भाई अपन का ये फंडा है, अगर कोई मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दे तो मैं उसको दोबारा रिप्लाई नहीं देता। अगर कोई बार बार मुझे इग्नोर करता है तो अपने लाइफ में उसे हिस्ट्री बना देता हूँ। एटीट्यूड का एक लाइन काफी है आपके लिए, बस इस एक लाइन को समझ लेना। अगर तुम मुझे इग्नोर करती हो तो बहुत जल्द तुम्हें अपने लाइफ का हिस्ट्री बना दूंगा। हाँ मेरे भाई, जो तुमको इग्नोर करता है उससे बिल्कुल भी याद मत रखो, चाहे वो लड़की है या फिर लड़का, क्योंकि एटीट्यूड वही है जिसमें अगर मुझसे दोस्ती करोगी तो खुश रहोगी, लेकिन अगर दुश्मनी करोगी तो बहुत जल्द तुम्हें YouTube पे सर्च करना पड़ जाएगा कि रोना कैसे बंद करे। जो तुमको भुला देता है उसको तुम भुला दो। भाई माना कि क्रश है, तुम उससे लव करते हो, ये है वो है फलाना ढिकना, लेकिन इतना भी इग्नोर क्या पे, तुम भी कोई इंसान हो, तुम्हारा भी कोई वजूद है, किसी को उतना ही भाव देना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है, क्योंकि मेरे भाई कुत्ते को घी हजम नहीं होती। तो किसी को इतना ही भाव दो, किसी को भी बोल रहा हूँ, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, चाहे कोई भी पर्सन हो, उसको इतना ही भाव दो जितना वो डिजर्व करता है। ज्यादा अगर दे दोगे ना तो वो तुमको छोटा आदमी समझना स्टार्ट कर देगा। तो अगर फारू एटीट्यूड लाना है तो कह दो अपने जिंदगी को, अपने दिमाग को, अपने दिल को कि मेरे प्रेजेंट में वही रहेगा जो मेरे साथ है, जो मुझे समझता है, जो मेरे लिए अवेलेबल होता है, और जो मेरे साथ नहीं है, जो मुझे कदम कदम पर इग्नोर करता है, जो मेरे लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहता है, वो मेरे लाइफ में बस एक हिस्ट्री बन चुका है। उसे बोल दो बेटा तू तो गया कचरे के डिब्बे में। थर्ड नंबर पॉइंट बताने से पहले, अगर आप और फारू एटीट्यूड चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मैं वहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशन एटीट्यूड से रिलेटेड कोट्स डालता रहता हूँ, और आप मुझसे बात भी कर सकते हो। थर्ड नंबर चीज है पैसा कमाओ। भाई कहा जाता है ना दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो है पैसा। जैसे ही आप कार से उतरोगे ना लड़की के सामने, चाहे कितना भी लॉयल गर्लफ्रेंड हो किसी की, या फिर आपको रिजेक्ट करने वाली पैर पकड़ के माफी मांगेगी और कहेगी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, तो पैसा कमाओ भाई, लड़की तो पीछे आएगी। मैं हमेशा आपको कहना चाहता हूँ कि पैसा इम्पोर्टेंट है। पैसा अगर होगा ना तो हर लड़की तुम्हारे पीछे भागना स्टार्ट कर देगी। तो अब तुम बताना कि पैसा इम्पोर्टेंट है या फिर गर्लफ्रेंड बनाना, एक कमेंट जरूर ही डालना, क्योंकि मैं भी तो जानूं कि मेरे व्यूअर क्या सोचते हैं। बाकी तो मेरी दुआ है ही आप अच्छा करोगे ही, और वीडियो में कही गई बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।